स्पिट चला एक ऐसा शो है जहाँ सब प्यार ढूंढने आते हैं और शो में सभी बड़े लवी डवी की तरह रहते हैं और ऐसे ही शो जीत भी जाते हैं, लेकिन शो से निकलने के बाद कोई किसी के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करता, बल्कि दे आर ऑल बैक टू देयर रियल पार्टनर्स। कौन है स्पिट्सवाला के विनर्स की पार्टनर या पार्टनर्स? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज मैं आपको स्पिट्सवाला के सभी विनर्स के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में बताऊंगी कि क्या उनमें से कोई भी अपने शो वाले पार्टनर के साथ है या नहीं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदिति राजपूत और जय दुदाने। स्पिट्सवाला सीजन 13 के विनर बनी अदिति तो जैसे शो में बस फेम और सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने शो से निकलने के बाद बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया और अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड सारंग राय के साथ एंगेजमेंट कर ली, विच इज़ हार्ड टू बिलीव, क्योंकि फिर आपको प्यार ढूंढने स्पिट्सवाला में आना ही नहीं चाहिए था ना, जब आपका प्यार ऑलरेडी था बाहर। और रही बात जय की, तो स्पिट्सवाला के बाद काम में वो इतना बिजी है कि उनको रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं है और वो अभी सिंगल है। श्रेय मित्तल और प्रियंवदा कंत। श्रेय और प्रियंवदा स्पिट्सवाला की हिस्ट्री के वन ऑफ द क्यूटेस्ट कपल्स में से एक हैं, लेकिन दोनों ने ही शो से निकलते ही ब्रेकअप कर लिया और फिर ऑडियंस के लिए प्रूफ कर दिया कि विला में प्यार मोहब्बत बस कैमरा के लिए होता है। एट प्रेजेंट दोनों ही प्रोफेशनली बिजी हैं और पर्सनल लाइफ में सिंगल हैं। गौरव अलूक और श्रुति सिन्हा। गौरव और श्रुति ने ये गेम दोस्ती में रहकर जीता था, तो इन दोनों के साथ में रहने की तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। रियल लाइफ पार्टनर की बात करूं तो श्रुति की इसी सीजन में मुलाकात हुई रोहन हिंगरोनी से, जिनसे वो पहले रोडीज में भी मिल चुकी थी। स्पिट्सवाला में श्रुति और रोहन का आइडल मैच नहीं बन पाया, बट फिर भी श्रुति ने सिर्फ रोहन के साथ ही परफॉर्म किया। पर फिर जब रोहन शो से निकल गए तो उन्होंने अपने दोस्त गौरव के साथ खेलना शुरू किया और वो जीत भी गई। लेकिन शो से बाहर आने के बाद श्रुति और रोहन ने काफ़ी साल डेट किया, बट फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद से ही श्रुति सिंगल है। रही बात गौरव की, तो वो मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनाली मल्होत्रा को काफ़ी सालों से डेट कर रहे हैं और दोनों बहुत सीरियस हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। बसीर अली और नैना सिंह। बसीर और नैना शो में काफ़ी प्यार में नज़र आ रहे थे, लेकिन इन दोनों ने भी शो ख़त्म होने के साथ साथ अपना रिश्ता भी ख़त्म कर लिया, एग्जैक्टली लाइक द अदर कपल्स। बसीर की बात करूँ तो उनका नाम टाइम टू टाइम मल्टीपल लड़कियों के साथ जोड़ा ही रहता है। नैना से अलग होने के बाद उन्होंने रोडीज कंटेस्टेंट आरुषि दत्ता को कुछ टाइम तक डेट किया। उसके बाद रियलिटी शो एस ओ स्पेस में उनका कनेक्शन बना लुसिंदा निचोलस के साथ। उनके साथ भी शो ख़त्म होने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया। फिर कुछ टाइम उन्होंने सुंदुस को डेट किया और फिलहाल रूमर्स की माने तो वो एक्स स्पिट्स विलन निकिता के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर नैना है अपने को कंटेस्टेंट आकाश चौधरी के साथ। तो चलो, नैना को स्पिट्सविला में अपना प्यार तो मिल गया, भले ही वो उनके साथ पैरअप हुई हो या ना हुई हो। गुरमीत रहल और काव्या खुराना। गुरमीत और काव्या का रिश्ता शो में बहुत रियल लग रहा था और सूत्रों की माने तो इन दोनों ने शो के बाद भी कुछ टाइम तक डेट किया, लेकिन फिर दोनों अलग हो गए। गुरमीत ने उसके बाद चाइना बेस्ड टीचर ब्रेटनी लॉरेन मैरी को डेट करना शुरू किया और साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली। और रही बात काव्या की, तो वो फिलहाल सिंगल है। प्रिंस नरूला और अनोखी चो कॉन लिंजे। प्रिंस और अनोखी का पेयर शो के लास्ट में बना था और दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं थी, तो दोनों ने कभी भी एक दूसरे को डेट नहीं किया। लेकिन प्रिंस को स्पिट्सवाला के बाद मौका मिला बिग बॉस में जाने का, जहां उनकी मुलाकात पहले युविका से हुई और उनके शो से जाने के बाद नौरा फतेही से। दोनों के साथ ही प्रिंस ने बिग बॉस में लव कनेक्शन बनाया, पर शो के बाद युविका के साथ कंटिन्यू किया और 2018 में दोनों ने बिग पंजाबी फैट वेडिंग भी कर ली। अनोखी की बात करूँ तो स्पिट्सवाला के बाद से ही वो कहीं गायब है और उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मयंक गांधी और स्कारलेट रोज।
इन दोनों ने भी शो में पागलों की तरह प्यार में होने का नाटक किया था, पर शो खत्म होते ही दोनों अपने अपने रास्ते हो गए और मयंक ने 2016 में इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस हुनर हली से शादी कर ली थी और अभी वो हैप्पीली मैरिड हैं। स्कारलेट कर रही है मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट रियान पीटरसन को डेट। परमवीर सिंह और मैंडी देबरामा। परमवीर के बारे में मीडिया में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैंडी फिलहाल सिंगल हैं और अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के काम में सुपर बिजी हैं। पारस छापरा और आकांक्षा पोपली। पारस और आकांक्षा स्पिट्सला में काफ़ी प्यार में थे और सीरियस नज़र आ रहे थे, लेकिन शो के बाद ये दोनों भी अलग हो गए और उसके बाद पारस ने एक्ट्रेस सारा खान को कुछ वक्त के लिए डेट किया, लेकिन फिर ये दोनों भी अलग हो गए। उसके बाद पारस पवित्र पुनिया के साथ रिलेशनशिप में थे और दोनों ने अपना रिश्ता मीडिया के सामने काफ़ी ओपन रखा हुआ था, बट फिर इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया और उसके बाद पारस का रिश्ता शुरू हुआ एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के साथ। इन दोनों के रिश्ते ने अलग अलग कारणों से काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, बट फिर ये दोनों भी अलग हो गए और इस बात का खुलासा उन्होंने बिग बॉस में किया और वहीं पर उनके साथ थी मायरा शर्मा। और बिग बॉस में मायरा और पारस के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया और ये दोनों अब 3 साल से भी ज़्यादा टाइम से साथ हैं। आकांक्षा की बात करूं तो वो शो के बाद से कहीं गायब हैं और इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दुष्यंत यादव और प्रिया शिंदे। दुष्यंत की बात करूं तो वो फिलहाल सिंगल हैं और फुल ऑन फिटनेस को लेकर फोकस्ड हैं और प्रिया शिंदे आज टीवी की काफ़ी नामी एक्ट्रेस है और इन्होंने 2015 में इन्वेस्टमेंट बैंकर सचिन से शादी कर ली थी और आज इन दोनों की एक बेटी भी है। पराग चड्ढा और रिया बमनियाल। पराग और रिया को शो में प्यार हो गया था, पर शो से निकलने के बाद दोनों ने कुछ टाइम के बाद ब्रेकअप कर लिया और पराग ने एक्ट्रेस सोनिका डिसूजा को डेट करना शुरू कर दिया और उनसे भी उनका जल्दी ही ब्रेकअप हो गया और आज की तारीख में वो सिंगल हैं। और रही बात रिया की तो इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिद्धार्थ भारद्वाज और साक्षी प्रधान। सिद्धार्थ अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में तो है लेकिन उनका नाम अभी तक कोई जानता नहीं है और साक्षी अभी सिंगल है। विशाल करवाल और श्रद्धा हरिभाई। विशाल ने स्पिट्सला का पहला सीजन जीतने के बाद टीवी पर बहुत काम किया और आज उनको लगभग सभी जानते हैं। रही बात पर्सनल लाइफ की तो विशाल ने 2020 में अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड हीना करवाल से शादी कर ली थी और 2022 में इनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। रही बात श्रद्धा की तो इनकी भी इनके बॉयफ्रेंड चिंतन से शादी हो चुकी है और इन दोनों की एक बेटी भी है। आपका पास्ट विनर्स में से सबसे फेवरेट कपल या कंटेस्टेंट कौन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस साल का स्पिट्सला सीज़न 14 कौन जीतेगा, ये भी बात मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।